हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का यह वीडियो चैप्टर 2 संक्रामक रोगों से बचाव का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम इस पार्ट के महत्वपूर्ण बातों का रिवीजन करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह हमारे लिए जरूरी साबित होगा। तो आइए अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का जो नाम है संक्रामक रोगों से बचाओ, इसमें सबसे ज्यादा जानने लायक बात यह है कि रोग क्या है। तो जब शरीर की क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन आदि बाधित हो जाए तो उसे हम रोग कहते हैं। लेकिन यदि यह सवाल हमारे एग्जाम में आता है तो वहां पर हमें एक परिभाषा लिखने की जरूरत होती है। तो जब हमारे एग्जाम में यह सवाल हमसे पूछा जाए कि रोग क्या है, तो हम वहाँ यह लिख सकते हैं कि किसी प्राणी के अपने वातावरण के चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार में असफलता के अनुभव को रोग कहते हैं। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, किसी प्राणी के अपने वातावरण के चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार में असफलता के अनुभव को रोग कहते हैं। अब आता है रोग का प्रकार। रोग के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वह होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, या जिन रोगों का संचारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग वह होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचता या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है। संक्रामक रोग की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। संक्रामक रोग अस्वस्थ वातावरण में रहने तथा किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रामक रोगों की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक संक्रामक रोग की एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय होता है। उस अवधि के पश्चात यह रोग स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रत्येक संक्रामक रोग की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में संक्रामक रोग की दो प्रमुख अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था को हम संक्रामक रोग की संप्राप्ति या उद्भवन काल कहते हैं और दूसरी अवस्था को संक्रामक अथवा संक्रमण काल कहा जाता है। पहली अवस्था जो है रोग की संप्राप्ति या उद्भवन काल या संक्रामक रोग की प्रथम अवस्था है। इसी अवस्था में रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से वृद्धि भी करते हैं। संक्रामक अथवा संक्रमण काल यह अवस्था दूसरी अवस्था होती है और इसमें संपूर्ण लक्षण, रोग के संपूर्ण लक्षण दिखाई देने लगते हैं और अपनी दूसरी अवस्था में ही यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और फैलने की क्षमता रखता है। अब हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के फैलने के कारणों को। संक्रामक रोग विभिन्न कारणों से फैलता है, जिसमें पहला है वायु द्वारा। संक्रामक रोग के जो रोगाणु होते हैं वे धूल के कणों में मिलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंच जाते हैं और उस मनुष्य को भी रोगी बना देते हैं। जो दूसरा कारण है वह है जल द्वारा। कुछ संक्रामक रोग के रोगाणु जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह रोगाणु पहले जल को प्रदूषित करते हैं तथा फिर उसी प्रदूषित जल के सेवन से हम बीमार पड़ जाते हैं। अगला जो कारण है वह है भोजन द्वारा। यह तो हम सब जानते ही हैं कि भोजन द्वारा रोगाणु फैलाने का कार्य सबसे ज्यादा मक्खियां करती हैं। यह मक्खियां पहले गंदे स्थानों पर बैठती हैं और फिर हमारे भोजन पर आकर बैठती है और हमारे भोजन को दूषित कर देती है और फिर उसी भोजन के सेवन से हम बीमार पड़ जाते हैं। अगला जो कारण है वह है संपर्क द्वारा। कुछ संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के माध्यम से भी
फैलते हैं, जैसे खाज, खुजली आदि। कीड़ों द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं, यह भी रोग के फैलाने का एक कारण ही है, जैसे मलेरिया, प्लेग, डेंगू आदि। इसके अतिरिक्त मिट्टी, जीवाणु तथा विषाणु के माध्यम से भी कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं रोग क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता के विषय में। रोग क्षमता है क्या? रोग क्षमता का अर्थ होता है व्यक्ति का रोग या रोगों से लड़ने की क्षमता या योग्यता। रोग क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास की बात करें तो इस प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टीसू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता प्रदान करते हैं। रोग क्षमता के प्रकार के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रोग क्षमता के दो प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक या जन्मजात और दूसरा कृत्रिम या उपार्जित। प्राकृतिक या जन्मजात रोग क्षमता जो है, यह क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या पाए जाने वाले विरोधी तत्वों के कारण होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधी तत्व निम्नलिखित कार्य करते हैं, जिसमें पहला है रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश रोकते हैं। दूसरा है यदि रोगाणु शरीर में प्रवेश हो जाएं तो उनसे संघर्ष करते हैं। और तीसरा है रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे वह रोग के बाह्य लक्षणों को प्रकट ना कर सके। रोग क्षमता का जो दूसरा प्रकार है वह है कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है संक्रामक रोग से ग्रसित होकर और दूसरा है टीकाकरण द्वारा। संक्रामक रोग से ग्रसित होकर का मतलब है संक्रामक रोग से ग्रसित होने पर जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तब उसमें उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार अर्जित की गई रोग क्षमता को रोग उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और दूसरा है टीकाकरण द्वारा। टीकाकरण द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों की प्रतिरक्षक दवाइयां शरीर में टीके के माध्यम से प्रवेश कराई जाती है। इन दवाइयों से रक्षण अवधि को दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए बूस्टर खुराक भी दी जाती है। इस प्रकार टीकाकरण द्वारा विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव किया जाता है। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के विषय में, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों का नाम और वो किन-किन कारणों से होते हैं, जिसमें पहला है क्षय रोग। इस रोग को टीबी भी कहा जाता है। यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। इस रोग का उद्भवन काल है 4 से 6 सप्ताह। अब इसके लक्षण को देखते हैं, जिसमें पहला है भार में गिरावट, दूसरा है तेजी से पसलियों का चलना, तीसरा है कमजोरी तथा बुखार और चौथा है खांसी। इसकी रोकथाम के लिए जन्म के समय या 2 सप्ताह के भीतर बीसीजी का टीका लगवाएं। अगला जो रोग है वो है डिप्थीरिया रोग या गलघोंटू। यह अत्यंत भयानक संक्रामक रोग है। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करके गले में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। इस रोग का उद्भवन काल है 2 से 5 दिन तथा इसका उद्भवन तथा इसका लक्षण है, जिसमें पहला है प्रारंभ में रोगी के गले में हल्का दर्द होता है तथा सूजन आ जाती है, फिर रोगी को तीव्र बुखार आ जाता है।
फिर श्वसन नली के ऊपर स्लेटी रंग की झिल्ली बन जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ निगलने में कठिनाई होती है। इस रोग के रोकथाम के लिए इसकी 3 खुराक 6 सप्ताह से प्रारंभ के 4 से 6 सप्ताह पर के अंतराल पर दी जाती है। अगला जो रोग है वह है काली खांसी। खांसी के साथ बहुत अधिक मात्रा में कफ निकलना ही काली खांसी कहलाता है। यह रोग अधिकतर बच्चों में होता है। यह रोग व्यक्ति की नाक, गले और फेफड़ों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इस रोग का उद्भवन काल है 6 से 8 दिन और इसके लक्षण हैं, जिसमें पहला है प्रारंभ से बच्चों को खांसी आती है, फिर धीरे धीरे खांसी के साथ छींकें भी आने लगती हैं। लापरवाही के कारण खांसी कभी कभी गंभीर रूप धारण कर लेती है। शिशु खांसी के कारण कभी कभी वमन भी कर देता है। इस रोग के रोकथाम के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जलवायु तथा संतुलित भोजन प्रदान करना चाहिए और DPT के टीके लगवाने चाहिए। अगला जो रोग है वह है चेचक, जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। चेचक वायु के माध्यम से होने वाला एक रोग है। चेचक से मानव जाति को मुक्त कराने का श्रेय एडवर्ड जैनर को जाता है, जिसने चेचक के टीके का आविष्कार किया है। और इस रोग का उद्भवन काल है 10 से 12 दिन, कभी कभी यह 15 दिन का होता है। इसके लक्षण में पहला है, इसमें रोगी को 103 से 104 तक ज्वर हो जाता है। सिर तथा पीठ में दर्द होता है। ज्वर के तीसरे दिन शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, फिर ये दाने बड़े होने लगते हैं, फिर इनमें मवाद पड़ जाता है। 24 घंटे में यह मवाद में बदल जाता है। 5वें दिन यह दाने त्वचा में उभरने लगते हैं, जिसमें लिम्फ भर आता है। उसके बाद ज्वर कम हो जाता है और मवाद भी सूखने लगते हैं। इस रोग से रोकथाम के लिए बच्चों को चेचक का टीका लगवाना चाहिए। अगला जो रोग है वह है टिटनेस। यह रोग अधिकतर जंग लगे धातु के टुकड़ों पर गिरकर चोट लगने के कारण होता है। धूल मिट्टी के साथ भी टिटनेस के जीवाणु चिपक जाते हैं। यदि रोगी को तत्काल टिटनेस का इंजेक्शन न लगवाया जाए तो यह रोग हो जाता है। यह रोग के रोगाणु मांसपेशियों को अधिक प्रभावित करते हैं। इस रोग का उद्भवन काल है 3 दिन से 3 सप्ताह। इसके लक्षण में पहला लक्षण है, रोगी को बेचैनी, सिरदर्द और ठंड लगती है। दूसरा है, रोगी की गर्दन अकड़ जाती है और उसे चबाने तथा निगलने में कठिनाई होती है। तीसरा है, मांसपेशियों में अकड़न आने के कारण रोगी का शरीर धनुष के आकार में मुड़ जाता है। इस रोग से रोकथाम के लिए चोट लगते ही टिटनेस का टीका लगवाना आवश्यक है। दूसरा है, वातावरण की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला जो रोग है वह है खसरा। यह एक संक्रामक रोग है जो ज्वर तथा खांसी के साथ स्पष्ट होता है। यह रोग अधिकतर बच्चों को हो जाता है। रोगी के खांसने तथा छींकने से रोगाणु वायु को दूषित कर देते हैं। इस दूषित वायु में स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो वह भी रोगी हो जाता है। इस रोग का उद्भवन काल है 10 से 12 दिन। इसके लक्षण में पहला लक्षण है, इस रोग का प्रारंभ खांसी तथा जुकाम से होता है। दूसरा है, इसके पश्चात
तीव्र ज्वर चढ़ता है। फिर रोग का संक्रमण काल 3 सप्ताह तक होता है। 2-3 दिन के बाद माथे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और बाद में यह दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं। धीरे धीरे ज्वर कम हो जाता है और दाने भी रुकने लगते हैं। इस रोग से रोकथाम के लिए रोगी व्यक्ति के कमरे को साफ रखना चाहिए। कमरे में हल्की रोशनी की व्यवस्था भी रहनी चाहिए और संक्रमित व्यक्ति से बच्चों को दूर रखना चाहिए। अगला जो रोग है वह है गलसुआ। यह भी एक संक्रामक रोग होता है जो सर्दियों में अधिक होता है। इस रोग में चेहरे पर सूजन आ जाती है। इस रोग का उद्भवन काल है 12 से 26 दिन। आइए इसके लक्षण को देखते हैं, जिसमें पहला है मुंह सूखने लगता है, कान में दर्द का अनुभव होता है। यह रोग गंभीर रूप धारण करने पर दिमाग व रीढ़ की हड्डी पर को प्रभावित करते हैं। एक या दोनों लार ग्रंथियां बढ़ जाती है, कानों व गालों पर सूजन आ जाती है। इस रोग से रोकथाम के लिए रोगी का मुंह नमक के पानी से साफ करना चाहिए। रोगी के कमरे को हमेशा साफ रखना चाहिए। गले में आराम लाने के लिए गरारे करनी चाहिए। अगला जो रोग है वह है रूबैला। यह भी एक संक्रामक रोग है जो खांसी तथा सर्दी के साथ प्रकट होता है। इस रोग का उद्भवन काल है 12 से 15 दिन। इसके लक्षण है सर्दी, चेहरे तथा शरीर पर गुलाबी चकते तथा खांसी। इस रोग के रोकथाम के लिए प्राथमिक MMR टीका 15 माह पर तथा एक बूस्टर खुराक 10 से 12 वर्ष की आयु पर दी जाती है। अगला जो रोग है वह है पोलियो। सबीन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु टीका पोलियो तथा लकवा की रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। इसकी पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है, दूसरी तथा तीसरी खुराक प्रति 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है। इसके कारण कोई पीड़ा या ज्वर नहीं होता है। इस रोग का उद्भवन काल है लगभग 7 से 12 दिन। इसके लक्षण है उल्टी, सिर दर्द तथा अतिसार। कुछ बालक लकवा तथा अपंगता के प्रभावों से पीड़ित होते हैं। इस रोग के से रोकथाम के लिए पोलियो की दवा 3 खुराकों में दी जाती है, जो 6 सप्ताह बाद से 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है। अगला जो रोग है वह है हैजा। यह बैसिलस जीवाणु द्वारा संक्रमित रोग होता है। यह रोग बहुत तीव्र गति से संक्रमित होता है, इसलिए महामारी का रूप धारण कर लेता है। यह गर्मी तथा बरसात के दिनों में अधिक होता है। इसके लक्षण है रोगी को उल्टी तथा पतले दस्त आते हैं। रोगी को पेट में दर्द होने लगता है, आंखें पीली पड़ जाती है, उसे अधिक ठंड लगती है तथा अधिक प्यास लगती है और मूत्र आना बंद हो जाता है या बहुत कम मात्रा में होता है। उचित समय पर इलाज न मिलने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तथा निर्जलीकरण भी हो सकता है। इस रोग के रोकथाम के लिए बालक को प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ देने की आवश्यकता होती है ताकि पानी की कमी ना हो। समय पर चिकित्सक को दिखाना चाहिए। रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। देखभाल कर रहे व्यक्ति को अपनी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला जो रोग है वह है अतिसार।
यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें संक्रमण के कारण पेट की आंतों की कार्य प्रणाली सामान्य नहीं रहती। प्रमुख रूप से आंतों का महत्वपूर्ण कार्य अतिरिक्त जल का अवशोषण करना होता है। अतिसार रोग की स्थिति में आंतें इस कार्य को नहीं कर पाती हैं और इस कारण शरीर का अतिरिक्त जल मल द्वारा बाहर निष्कासित हो जाता है और जल के साथ कुछ अन्य आवश्यक खनिज लवण भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार शरीर में जल की कमी हो जाती है। इस रोग का उद्भवन काल है लगभग 3 से 6 दिन। इस रोग से रोकथाम के लिए पानी की कमी से बचने के लिए ORT तथा ORS का प्रयोग करना चाहिए। अगला है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण शरीर की वह स्थिति है जब आवश्यक जल की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है जब शरीर से अधिक जल निकल जाता है। अब देखते हैं अतिसार तथा निर्जलीकरण में क्या संबंध है। अधिकांशतः अतिसार की स्थिति में ही शरीर से अधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाता है। अतिसार में जब दस्तों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो शरीर से अधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाता है। ऐसी स्थिति में पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है और निर्जलीकरण की स्थिति आ जाती है। अब देखते हैं टीकाकरण के विषय में। टीकाकरण है क्या? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं और इस प्रक्रिया को टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। अब कुछ टीका का नाम देखते हैं जिसमें पहला है BCG का टीका। यह क्षय रोग का निवारक होता है। इसके टीके को बांह के ऊपरी भाग में कंधे से नीचे त्वचा की ऊपरी सतह में सामान्यतः बाईं ओर लगाया जाता है। दूसरा जो टीका है वह है टाइफाइड का टीका। टाइफाइड की वैक्सीन अभी कुछ समय पूर्व ही उपलब्ध हुई है। यह टीका थोड़े समय के लिए ही रोग क्षमता प्रदान करता है। यह भोजन तथा जल के संक्रमण से बैसिलस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। टाइफाइड वैक्सीन सीमित बचाव ही प्रदान करता है। बूस्टर की एक खुराक 3 वर्ष की आयु तथा दूसरी खुराक 3 से 6 सप्ताह के अंतराल में दोहराई जाती है। अगला टीका है DPT का टीका। DPT का टीका 3 रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है, डिफ्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस। DPT की पहली खुराक 6 सप्ताह में दी जाती है तथा दूसरी खुराक 1 माह के अंतराल में दी जाती है। तीसरी खुराक 3.5 माह के आयु में दी जाती है। DPT का बूस्टर खुराक 15 से 18 माह में, 10 से 24 माह में तथा 5 से 6 वर्ष की आयु में दी जाती है। अगला टीका है पोलियो का टीका। पोलियो की प्रथम खुराक जन्म के बाद 48 घंटों के अंदर दे दी जाती है। दूसरी खुराक 2.5 माह की आयु में तथा तीसरी खुराक 3.5 माह की आयु में दी जाती है। पोलियो की बूस्टर खुराक 5 से 6 वर्ष की आयु में दी जाती है। अगला टीका है MMR। शिशु को MMR का टीका 3 बीमारियों, खसरा, मम्स व रूबैला से बचाव के लिए दिया जाता है। यह टीका 15 से 18 माह की आयु में दिया जाता है। अगला जो टीका है वह खसरे का टीका। यह टीका खसरे से बचाव के लिए 9 माह पर लगाया जाता है। फिर है हेपेटाइटिस बी का टीका। यह टीका यकृत को प्रभावित कर
पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वायरस दूषित सुई, सीरिंज, सेविंग रेजर तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि रोग क्या है, रोग के कितने प्रकार होते हैं, रोग क्षमता क्या है, रोग क्षमता के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के विषय में अध्ययन किया। उसके बाद हमने टीकाकरण के विषय में भी अध्ययन किया। उसके बाद कुछ टीकों के नाम भी जाने। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ 3, असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेष आवश्यकता, इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे।